डिस्पैच सेंटर से जब आप कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट रिसीव करें तो अच्छे से उनके सीरियल नंबर एड्रेस टैग पर व मशीन पर चेक करके मिला लें, ताकि जो मशीन आपको इशू हुई है वही आपको मिले। डिस्पैच सेंटर पर आप सिर्फ कंट्रोल यूनिट को ही ऑन करके चेक करें। इसके लिए इसे इसके केस से बाहर निकाल लें। इसके ऊपर लिखे सीरियल नंबर को एड्रेस टैग पर लिखे कंट्रोल यूनिट सीरियल नंबर से मिला लें। इसके बैक साइड में लैच दबाकर कवर को खोल लें। यहां एक टॉगल ऑन ऑफ स्विच है, इसे ऑन कर लें। ऑन करके कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पर डेट टाइम, कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, बैटरी परसेंटेज दिखाई देगा। नो यूनिट्स कनेक्टेड का मतलब है वीवीपैट या बैलेट यूनिट नहीं जुड़े हैं, और ध्यान रखें इन्हें जोड़ें भी ना। अब कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ करके बंद कर दें। केस में पैक कर आप पोलिंग स्टेशन जाने के लिए तैयार हैं। आपकी ईवीएम सही है। ऑन द डे ऑफ पोल, वोट वाले दिन अर्ली मॉर्निंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर और टीम सभी यूनिट्स को सावधानी से केसी से बाहर निकाल लें और टेबल पर रख लें। कंट्रोल यूनिट के बैक कवर को धीरे से खोल लें। वीवीपैट की डेटा केबल को कंट्रोल यूनिट से जोड़ें। ध्यान रखें रेड कलर को रेड से ही जोड़ें और ब्लैक को ब्लैक से ही। इसके बाद बैलेट यूनिट की केबल को वीवीपैट के रंगों से मिलाते हुए जोड़ दें। वीवीपैट के ब्लैक नॉब को वर्टिकल कर दें। ऊपर नीचे की पोजीशन में इसका अर्थ है वीवीपैट अब रेडी है। हमेशा ध्यान दें कंट्रोल यूनिट को ऑन करने से पहले वीवीपैट के ब्लैक नॉब को वर्किंग पोजीशन में यानी खड़ी पोजीशन में ले आएं। सभी पोलिंग एजेंट्स, इलेक्शन एजेंट्स बीएलओ की उपस्थिति में वीवीपैट का खाली बॉक्स दिखाएं कि अंदर कोई स्लिप नहीं है। अब कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑन करें। वीवीपैट में 7 टेस्ट स्लिप्स गिरेंगी। कंट्रोल यूनिट स्क्रीन पर बैलेट यूनिट व वीवीपैट के ओके होने का मैसेज डिस्प्ले होगा। अब आप मॉक पोल के लिए रेडी हैं। पोलिंग ऑफिसर 3 कंट्रोल यूनिट पर बैलेट बटन दबाएगा और पोलिंग एजेंट बारी बारी बैलेट यूनिट में जाकर अपने कैंडिडेट के सामने का ब्लू बटन दबाएंगे। साथ में वीवीपैट में वोट स्लिप्स भी देख सकेंगे। वोट डालने के बाद सबको टोटल बटन दबा के ये दिखा दें कि कुल कितने वोट पड़े हैं। ब्लैक फ्लैप हटाकर क्लोज बटन दबाएं। वीवीपैट बॉक्स से प्रिंटेड स्लिप्स निकाल लें और गिनकर टेबल पर रख दें। कंट्रोल यूनिट के कवर को लैच दबाकर खोलें और इसके अंदर के कवर को भी हटा दें। अब पीले रिजल्ट बटन को दबाएं और सबको स्क्रीन पर आ रहा रिजल्ट दिखा दें।
सबके संतुष्ट होने पर सफेद क्लियर बटन जरूर दबाएं, जिससे मॉक पोल का डाटा डिलीट हो जाए। इसके बाद कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ कर दें। आइए जानते हैं ग्रीन पेपर सील लगाना। दो होल वाले कवर में ग्रीन पेपर सील इस तरह डालें कि ग्रीन स्पॉट अगले होल में और रेड स्पॉट पिछले होल में फिट हो जाए। धीरे से कवर को दबा दें। क्लोज बटन पर स्पेशल टैग सीरियल नंबर लिखा हुआ धागे की सहायता से कवर के साथ बांधकर सील कर दें। बाहर के कवर को भी बंद कर दें और ग्रीन पेपर सील से गोंद की स्ट्रिप हटा दें। इससे हमें अल्फाबेट ए दिखेगा। इसे कवर पर अच्छे से चिपका दें। दूसरी तरफ का गम स्ट्रिप हटाने पर बी दिखेगा। इसे भी ऊपर से चिपका दें। ध्यान दें, ग्रीन पेपर सील का सीरियल नंबर सबको दिखता रहे। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर और उपस्थित पोलिंग एजेंट्स पेपर सील पर सिग्नेचर कर दें। कंट्रोल यूनिट को एड्रेस टैग से सील कर दें। खाली वीवीपैट दिखाकर उसे भी दो एड्रेस टैग लगाकर अच्छे से सील कर दें। कंट्रोल यूनिट को ऑन कर दें। अब ईवीएम वोटिंग के लिए रेडी है। वीवीपैट की स्लिप्स को दी हुई मॉक पोल स्लिप की स्टैंप लगाकर ब्लैक कवर में सील कर दें। सर्टिफिकेट ऑफ मॉक पोल प्रिजाइडिंग ऑफिसर एजेंट्स के सिग्नेचर सहित बना लें। वोटिंग के एंड में टोटल बटन दबाकर कुल वोटिंग नोट कर लें व एजेंट्स को भी दिखा दें। ब्लैक फ्लैप हटाकर क्लोज बटन दबा दें। इसके बाद कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ कर दें। वीवीपैट के नॉब को हॉरिजॉन्टल यानी ट्रांसपोर्ट मोड पर कर दें। वीवीपैट की बैटरी को सावधानी से निकाल लें। सब यूनिट्स को उनके केसेस में डालकर एड्रेस टैग लगाकर सील कर दें।